तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ती आगे, वैसे तो भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का कोई समय अशुभ नहीं होता, लेकिन इस साल मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व में कुछ खास है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसका मतलब एकदम साफ है कि साल रक्षाबंधन के दौरान ग्रह नक्षत्रों का नहीं बल्कि बहनों की मर्जी चलेगी। रक्षाबंधन के दिन इस बार तीन खास संयोग भाई बहन के लिए मंगलकारी और शुभ रहेंगे। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कुमकुम, हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई की थाली सजाकर अपने भैया का दीदार होगा। बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर दीर्घायु होने की कामना करती हैं और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षाबंधन का पर्व विभिन्न योग संयोगों में रविवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं होने से दिन भर राखी बंध सकेगी। जयपुर के तमाम मार्केट में राखियों की खरीदारी पूरी तरह से परवान पर है। खासतौर पर बच्चों के लिए म्यूजिकल कार्टून कैरेक्टर्स की राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन राखियों की खास बात यह है कि कोरोना से बचाव के लिए कई संदेश भी इन पर देखने को मिल रहे हैं। इनकी कीमत 10 से लेकर 250 रुपए तक है। कुछ दुकानदार खुद ही मोती और स्टोन वाली राखियां बनाते हैं। कोरोना का संक्रमण कम होने के चलते इस बार बिक्री बढ़ी है। ये लाइट जलती है, ये इसमें लाइट जलती है, लैंप है, लाइट वाला। और ये क्या है, डोरेमोन, और क्या क्या नया है आपके पास बताइए। ये बंदूक में, इसमें शॉर्पनर भी है, डॉल है, इसमें की चैन है, ठीक है। देखिए छोटा भीम, इसमें लाइट फिट की हुई है। बहुत वैरायटी है इस बार तो, बच्चों के हिसाब से डोरेमोन है, छोटा भीम है, बहुत सारे फिगर्स हैं इसमें तो, टॉय वगैरह में तो। गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बॉयज के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। लास्ट ईयर से थोड़ा फर्क है कि इस बार बहुत कम बिक्री हुई है राखियों के अंदर। बहुत बड़ा पवित्र बंधन है भाई बहन का, अच्छे से इसको निभाना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी परंपरा चल रही है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। छोटे बच्चों को भी इसका महत्व बताना चाहिए। अभी लॉकडाउन में हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, तो बस छोटा सा कर लेंगे, भाई आएगा, राखी बांधेंगे, स्वीट खिलाएंगे, बड़े दिन बाद में उससे मिल लेंगे। रक्षाबंधन वही है कि परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे, पूरा परिवार हमारे साथ रहे और पूरा दिन बच्चों के साथ स्वीट्स वगैरह खा के पूरा दिन, मतलब पूरा परिवार एक साथ रहे आज के दिन। हर सबकी छुट्टियाँ होनी चाहिए, कोई ये नहीं शॉप पे जाए करे, क्योंकि एक ही दिन तो मिलता है कि हम सब पूरा परिवार अपने साथ रहे। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार भद्रा का साया नहीं रहेगा। ग्रहों के संयोग और योग पर्व की महत्व को शुभता प्रदान करेंगे। भद्रा सुबह 6:13 तक ही है, दोपहर 1:46 तक और प्रदोष काल के समय शाम 6:54 से रात 9:08 तक राखी बांधने का समय होगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:55 में भी राखी बांधी जा सकेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु और चंद्रमा की इस युति से रक्षाबंधन पर गज केसरी योग का निर्माण होगा, साथ ही राजयोग भी रहेगा। वहीं सूर्य, मंगल और बुध तीनों एक साथ सिंह राशि में मौजूद रहेंगे। रक्षाबंधन के दिन तीन ग्रहों का ऐसा संयोग 200 से अधिक साल बाद होगा।
छोटी काशी के मंदिरों में रक्षाबंधन पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी और राधा जी की कलाई पर सुनहरी कला बूट की राखी बांधी जाएगी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर बंद होने के कारण भक्त ठाकुर जी और राधा जी को राखी अर्पित नहीं कर सकेंगे। इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर श्रावण नक्षत्र न होकर के धनिष्ठ नक्षत्र रहेगा। पूर्णमासी पूर्ण तिथि होती है और इनके भगवान इनके देवता चंद्र देवता है। यहाँ रक्षाबंधन का पर्व पर मैंने अपने भाई के सीधे हाथ में रक्षाबंधन का सूत्र बांधे है और दीर्घ आयु की कामना करती है। श्रवण पूजने के लिए दोनों द्वार पर प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं और श्रवण की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विशेष मुहूर्त सुबह से ही देखने को मिलेंगे। इस साल क्योंकि हम एक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा हैं और हमारी फैमिली में बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा भी लिए हैं, फील होता है कि अब हम सेफ हैं, हम बाहर निकल सकते हैं। और इस साल उसी जील और उसी एंथुसियाज्म से हम फिर से त्यौहार मनाने वाले हैं। बहुत सारी तैयारियां हुई हैं, राखियां आई हैं, बहुत सारी उम्मीद करते हैं कि ये त्यौहार हमारा और आप सबका बहुत ही अच्छा त्यौहार। भाई बहनों का ये त्यौहार कई मायनों में खास है। इस बार कोरोना का प्रभाव कम होने से रक्षाबंधन को लेकर उत्साह चरम पर है। भाई की कलाई पर रेशम की डोर बनी राखियां सजने के लिए तैयार हैं। बहनों को इंतजार है अपने भाई का, इंतजार है प्यार के विश्वास का और रक्षाबंधन का। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।